हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं भेजा फ्राई। तो भेजे के लिए मैंने भेजे को उबाल लिया है, नमक डाल के और हल्दी डाल के 15 मिनट के लिए, और इसके पीस कर लिए हैं। इनको बिल्कुल साफ कर लिया है, नसें वगैरह सब इनके निकाल लिए हैं। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। जैसे जैसे बनाऊंगी वैसे वैसे आपको मैं बताती हूँ। कढ़ाई हमने रख दी है और इसमें वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे और साथ में ही प्याज भी डाल देंगे, और प्याज डाल के हम इसको ब्राउन कर लेंगे। बहुत ज्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है, हमें हल्का ब्राउन करना है, जो इसका मॉइस्चर खत्म हो गया है बस। देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, प्याज हमारी ब्राउन होने लगी है। अब हम इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे भर के। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे इसमें, इसको हल्का सा हम मिलाएंगे, और अब इसमें हम बाकी सब मसाले अपने डाल देंगे। 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे इसमें, और 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, और इन सब चीजों को थोड़ा सा हिलाएंगे, भूनेंगे। और अब इसके अंदर हम दही भी साथ में डाल देंगे। 1 चम्मच भर के हम इसमें दही डाल देंगे। अब इन सब चीजों को अच्छी तरह से भून लेंगे, फिर इसमें हम भेजा डालेंगे। ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून गया है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी भी डाल दिया था दही के बाद में, तो ये मसाला बहुत अच्छी तरह पक गया है, क्योंकि भेजा पहले से उबला हुआ है हमारा। ये देखिए हमने भेजे को नमक और हल्दी डाल के उबाल लिया था इसको, और बिल्कुल बहुत अच्छे से साफ कर लिया है। भेजा बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना टाइम इसको साफ करने में लगता है। ये बहुत अच्छे से साफ हो गया है, और हम इसको इसमें डाल देंगे। तो मसाला क्योंकि हमने अच्छे से बना लिया है, पानी डाल दिया था, तो बहुत अच्छे से पका लिया है इसको हमने। तो अब हम इसमें अपना ये भेजा इसमें डाल देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भेजा बनेगा। देखिए वो भेजा डाल के हम इसको 10-15 मिनट के लिए बनाएंगे मीडियम आंच पे, और पानी इसमें डालेंगे नहीं, कि इसके जितने भी मसाले हैं सब भेजे के अंदर अच्छे से चले जाएं। और हमने इसको पीस काट लिए थे इस तरह से, ज़्यादा छोटा नहीं करा है, ये ऐसे ही अच्छा लगता है। तो ये जो भी इसकी थोड़ी सी ग्रेवी आपको दिख रही है, ये खुशक हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। और इसके अंदर हम हरा धनिया डाल देंगे, और ये हरी मिर्चें काटी हैं हमने, ये इसमें डाल देंगे। 2 हरी मिर्चें डाली हैं हमने, आप चाहे तो ज़्यादा डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो। और अब हम इसको ढककर पकने रख देंगे, 5 मिनट के बाद हम देखें। 5 मिनट हो गए, अब हम खोल के देख लेते हैं। ये देखिए ऑयल इसका पूरा ऊपर आ गया है, भेजा अच्छे से भुन गया है, मसाला पूरा इसके अंदर चला गया है। बहुत ही माशाल्लाह मज़ेदार भेजा बना है ये हमारा। ये देखिए भेजा बनकर हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। थोड़ा सा हम इसको ऐसा ही थोड़ा सिलबिला सा रखना है, लिक्विड सा, इसके अंदर थोड़ा पानी रहता है तो इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब हम इसके अंदर थोड़ा हरा धनिया डाल देंगे, ये देखिए मज़ेदार हमारा भेजा मसाला बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भेजा बना है, इस तरह से आप बनाइए, और बहुत फटाफट भेजा बन गया है ये। तो आप इस तरह मेरे शहर से भेजा बनाइए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा, बनाकर ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी बनाई हुई ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।